सॉरी आई कांट डू दिस थिंग, इसमें बहुत सेक्सुअल कंटेंट है और मैं ये काम नहीं कर सकता. पर हमें करना पड़ेगा, हमें ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा यू नो सेक्स 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 आई कांट डू दैट यार. मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, दे आर वेरी मैच्योर और मैं इस तरीके से मेरी इमेज नहीं. सॉरी ज्योति आप कंटिन्यू करो. मैं आपने ये सही बात बोली ऑब्वियसली, लेकिन कुछ इसी तरीके से हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी सेक्सुअल कंटेंट फिल्म करना पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया. एग्जैक्टली गाइस, और आज का हमारा यही है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. नमस्कार, मैं हूँ राहुल बोच. और मैं हूँ ज्योति. ज्योति और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने फिल्म के अंदर कुछ ज्यादा ही सेक्सुअल कंटेंट था तो उन्होंने अवॉइड कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया हम काम नहीं करेंगे चाहे आप कितने भी पैसे दे लो. जी तो शुरुआत करें. जी शुरुआत. प्लीज पहले आप. पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगी चित्रांगदा, चित्रांगदा सिंह. वैसे तो हालांकि हमने उनको बहुत सारे फिल्म में देखा है इंटीमेट सीन्स देते हुए, लेकिन एक फिल्म आई थी कुशन नैंडी की जो कि बाबू मोशाय, बंदूकबाज, जिसमें उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट कास्ट किया कर ऑफर आया था, लेकिन ड्यू टू हाई सेक्सुअल कंटेंट उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया. एंड ऑल्सो मे वन एक और रीजन ऐसा बोला जा रहा है ड्यू बिकॉज ऑफ ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी. एग्जैक्टली. वेल नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसलिए क्योंकि जो थी अभी हैशटैग मीटू मूवमेंट चला था जिसमें चित्रांगदा ने भी अपनी आवाज उठाई थी और कहा था कि डायरेक्टर जब मुझसे कह रहे थे कि आप अपना पेटीकोट उठाओ और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करो, इस टाइप के जो चीप वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कुछ नहीं कहा. बीइंग अ मेन लीड राइट, ही हैज टू टेक अ स्टैंड ओवर देयर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिल्कुल भी वो स्टैंड नहीं लेते हैं और चित्रांगदा वो खफा हो जाती है और उनकी जगह पर विदिता बाग आ जाती है. इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि इस फिल्म के अंदर रिपीटेटिव सीन्स हैं और अननेसेसरी सीन्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं किया. हालांकि हमने देखा इंटीमेट सीन्स दिया, तो अब उनके हिसाब से अगर रिपीटेटिव सीन्स रहेगा डेफिनेटली उन्हें ऐसे इंट्यूशन आ जाएगा कि हाँ करीना कपूर खान और इमरान हाशमी की आने वाली थी. आपको बता दो हम सब जानते हैं इमरान हाशमी की जो इमेज है एक गुड एक्टर की तो है, साथ ही साथ चुंबन सम्राट की भी है. सीरियल की सर चुंबन सम्राट राइट. सो आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए उनको इसी नाम से संबोधित करते हैं. लेकिन इमरान हाशमी के साथ उन्होंने फिल्म करने से साफ साफ मना कर दिया करीना कपूर ने और कहा कि यार इट्स वेरी मच न्यूडिटी ओवर देयर, सो मच सेक्सुअल कंटेंट, सो आई कांट डू दैट. एंड आपको बता दो दोस्तों बदतमीज दिल जैसा प्रोजेक्ट उठा था वो पाइपलाइन में ही वैसा पड़ा हुआ है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है. आई वॉन्ट कि समथिंग कुछ आए और इमरान और करीना की फ्रेश जोड़ी हमें देखने को मिले. हाँ सेक्सुअल कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए भले, लेकिन देखने को मिले. और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगी कि करीना कपूर ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम नहीं था, उन्होंने कुर्बान में कितना दिया उन्होंने, इनफैक्ट ये फिल्म आई थी अर्जुन कपूर के साथ करेक्ट, वो फिल्म में भी उन्होंने दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इमरान हाशमी के साथ करने के लिए मना. आगे मैं बात करना चाहूंगी हमारी जो मिस वर्ल्ड है ऐश्वर्या राय. हाँ. हालांकि मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी हीरोइन, हीरोइन जो उनको कास्ट कर रहे थे उनके पास पहले ही गई थी फिल्म. और लेकिन आपको पता है उसके लिए प्रेग्नेंट का तो टर्म था ही था, उसके लिए वो कांस तक चले गए थे, वहां पर भी प्रमोशन चल रहा था कि ऐश्वर्या की हीरोइन आने वाली, हीरोइन आने वाली थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं नहीं कर सकती ड्यू टू सच रीजंस. तो कुछ मतलब कुछ लोग कम ही जानते हैं कि उनको पहले एक फिल्म और ऑफर की गई थी. अच्छा. जी 2000 कॉर्पोरेट जिसमें विपाशा बसु 2006 में आई थी फिल्म, विपाशा बसु का रोल उन्हें ऑफर किया गया था इससे पहले, लेकिन उन्होंने इसलिए मना कर दिया था उस टाइम क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा सेक्सुअल सीन था, इंटीमेट सीन था जो वो नहीं कर सकती थी. okay. और उस टाइम पे हमें पता है के मेनन साथ में थे, रजत कपूर थे, तो इसलिए उन्होंने क्योंकि ज्यादा बड़े स्टार भी नहीं थे तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया फिल्म करने से. फिर बाद में हीरोइन हुई तो वो भी मना कर दिया. मुझे तो है ना ये कहीं ना कहीं दोगुलापन लगता है अगर देखा जाए तो, मतलब अगर बड़े स्टार्स हो तो आप न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट देने के लिए हामी भरते हैं और अगर आप नॉर्मल कोई एक्टर हो तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? ये तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा इन सितारों से. आगे कौन है? आगे मेरी जो लिस्ट में है वो बॉलीवुड की ऐसी क्वीन है जिन्होंने खान्स के साथ ना काम करते हुए भी आज अपना एक बेहतरीन मुकाम बना दिया. समझ ही गए होंगे, मणिकर्णिका ऑफ बॉलीवुड यानी कि क्वीन कंगना रनौत. कंगना रनौत की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंगना की करियर की जिस तरीके से ग्रोथ हुई है वो हम सब जानते हैं, लेकिन 2011 में जो पिक्चर आती है डर्टी पिक्चर
पिक्चर द डर्टी पिक्चर मिलन लुथरिया की फिल्म थी ये। इस फिल्म में पहले से ही कंगना कास्ट हो चुकी थी। कंगना ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की थी मिलन लुथरिया सर से, एंड मिलन सर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे कंगना से क्यों इतनी अच्छी अदाकारा है, वो रोल को इतनी सारी चीजें देती हैं। तो यहां पर उन्होंने फिल्म के ऑफर भी करा, बट इन स्पाइट ऑफ दीज सेक्सुअल कंटेंट द न्यूटिटी पोर्शन एंड इतना ज्यादा एक्सपोजर था, कंगना अनकंफर्टेबल थी और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वेल आपको एक बात बता दूं, इंटरव्यू में विद अनुपमा चोपड़ा उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे पास इस तरीके के एक रोल आ रहे थे कि एक छोटे से शहर से लड़की आती है, बड़ा करती है, ये करती है, वो करती है, मैं जानबूझ के इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये रिपीटेटिव हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी गैंगस्टर फैशन वो लम्हे इन सब में ऑलरेडी मैं इस तरीके के कैरेक्टर निभा चुका। ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि उन्होंने भले ही अपने टफ टाइम में ये फिल्म्स की है, लेकिन exactly. जब से उन्हें एक मुकाम मिला है वो एक अच्छी फिल्में ला रही है और इन सब सारी चीजों को वो अवॉइड कर ज्यादा से ज्यादा जी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो फिल्म में अगर सेक्सुअल कंटेंट होता है, फिल्म की डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल जिस्म मर्डर, तो वो जायज है, जनता भी उसे हजम कर लेती है, लेकिन अननेसेसरी अगर आप डालेंगे उस चीज को तो कहीं ना कहीं स्पेशली रिपीटेटिव और रिपीटेटिव वे में डालेंगे तो कहीं ना कहीं दर्शकों को भी वो अगर एक पूरी फिल्म में अगर एक किसिंग है वो सब एक्सेप्ट कर लेती हैं कोई कोई हीरोइंस, लेकिन हाँ बट लेकिन अगर एंटायरली अगर यही चलेगा तो नहीं कर पाएंगे। भाई हमारी तो ये है राय, आपकी क्या है राय? आपको पता थी ये सारी बातें, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो भी फिल्में देखी हैं अगर वो ये वाले एक्टर्स इसमें होते तो कैसा लगता आपको, बताइए। सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए हमारे साथ चैनल बॉलीवुड स्पाई में, क्योंकि हम लोग ही इस तरीके के अनोखे और अनयूजुअल कंटेंट्स लाते हैं आप लोगों के लिए। करेक्ट, टेक केयर।